बोल श्री रामचंद्र महाराज की। पूज्यपाद जगद्गुरु त्रिदंडी रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज की आज्ञा से इस मंच पर यहाँ विराजमान धर्माचार्यों का दर्शन और उनका सान्निध्य और उसके साथ यहाँ सामने उपस्थित सैकड़ों धर्म प्रेमी साथियों का सहवास का सौभाग्य भी हमको मिला है, जिसके लिए हम बहुत बहुत ही आभारी मानते हैं। पद्म विभूषण जगदाचार्य स्वामी जी महाराज का, रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज का संकल्प अमोघ है। हिंदू धर्म एकता का एक उद्घोष यहाँ से करने के लिए स्वामी जी महाराज ने हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, आह्वान किए हैं, जिसके लिए हम सब एक बार अपने पूर्वाचार्यों का स्मरण और इस क्षेत्र को जिन्होंने अपने सन्निधि से पावन किए हैं, श्री रामचंद्र महाराज सीता मैया के साथ और लक्ष्मण जी के साथ यहाँ विराजमान होकर इसको नंदन बना दिया। वाल्मीकि भगवान कहते हैं, सुभगः चित्रकूटोऽसौ गिरिराजोपमो गिरिः। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी विद्यमान होकर धर्म की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और धर्माचार्यों की रक्षा के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, हे भारत, आप निश्चिंत होकर पिताश्री की आज्ञा का पालन करो। आप 14 साल तक राज्य का देखभाल करते रहना, मैं धर्म का विरुद्ध जो भी होंगे कांटे उनको निकालकर धर्माचार्यों की रक्षा करके मैं वापस आऊंगा। रामचंद्र भगवान ने यहाँ उद्घोष करके आगे निकले थे, वो ये वैसी जगह है। दो दिन पहले काशी क्षेत्र में जब वो काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए अपना भारत का प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी धर्म की रक्षा के लिए एक बीज आरोप किए थे, जैसे काशी में रहने वाले भगवान का विमोचन होकर इस देश का और धर्म का वैभव को उन्होंने विकास किया, वैसे ही इस देश में रहने वाले एक एक क्षेत्र का भी विमोचन करके
प्लीज आई एम राज। सबका भी विमोचन का एक बीज आरोप हो गया। बंधो, इस धर्म क्षेत्र में यहां पर हम सब इतने धर्माचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भगवान श्री रामचंद्र ने जिस मार्ग को अपने को दिखाया और उसी मार्ग में हम चलने के लिए एक प्रतिज्ञा करेंगे, हम दो चीज आपको विज्ञापन करके धर्माचार्यों का श्री चरण में समर्पण करके हम विराम लेंगे। एक है, आजकल हम लोग प्रपंचीकरण के नाम से अपने धर्म के ओर देखना भूल गए हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते आगे बढ़ रहे हैं। उसका उदाहरण, बहुत छोटा सा उदाहरण है, इससे पहले जब कभी धर्माचार्यों को देखते थे कोई तो हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे या चरण स्पर्श करके पावन बनते थे, परंतु आजकल का क्रम बदल गया। कोई धर्माचार्य को देखते तो सांप बगल में आकर सेल फोन लेना चालू किया, सेल्फी लेना शुरू किया। ये छोटे लोग बड़े लोग ऐसा कोई नियम नहीं दिख रहा है, हर जगह में ये संस्कृति, ऐसी संस्कृति हम लोग देख रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी ने प्रपंचीकरण का क्रम दिखाए, वो वन में आए, केवट के साथ रहा, ऋषियों के साथ रहा और आगे जाकर वानरों के साथ रहा और वहां पर रहने वाले जो भी दुष्ट लोग थे उसको शिक्षण किया, उसको हटा दिया, परंतु अपनी संस्कृति उनके ऊपर नहीं दबाया। वाली को हटा दिया, सुग्रीव को राजा बनाया और आपका जो क्रम है वो क्रम को आप अच्छी तरह सुरक्षा से रखो, ये उनको सौंप दिया। बाद में लंका गया, लंका में रावण को हटाने के पश्चात अपने व्यक्ति को वहां पर नहीं रखा, परंतु विभीषण को ही राज्य देकर आप अपना धर्म को अच्छी तरह संभालो। आजकल हम अपना धर्म को संभालना बहुत आवश्यक है। यहाँ हमारे पूज्य श्री चरण रामभद्राचार्य जी हिंदू एकता इसीलिए कहते हैं, इस हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की पंथाएं हैं, श्री संप्रदाय है, द्वैत है, अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, अचिंत्य भेदा भेद है, बहुत सारे धर्म हैं, अद्वैत है, अद्वैत में कई प्रकार के हैं, फिर भी सब अपना अपना क्रम को अच्छी तरह रक्षा करते हुए सब मिलकर
देश की रक्षा के लिए और अपना जो राज्यांग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसके लिए एक रक्षा भी दी थी। तो अपना अपना क्रम को हम रक्षा करते हुए ही हम एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे रहना है, वो हिंदू है। तो हमारे जगत गुरु जी उसको मन में रख कर यहाँ पर हम सब ऐसा इकट्ठा होकर रहेंगे ताकि अपना धर्म के ओर श्रद्धा और उसको आचरण में लाने के लिए हम सब कटिबद्ध होंगे। और दूसरा विषय है बंधुओं, इस बीच में हम कुरुक्षेत्र जाने का एक सौभाग्य मिला और अब चित्रकूट आने का। एक चीज हम बोलेंगे, कोई दूसरा मन में कुछ कष्ट नहीं लेना है। जब कभी उत्सव होता है तो उस क्षेत्र को हम बहुत श्रृंगार से देख रहे हैं, परंतु उसके बाद जो अपने धर्म बिंदु, धर्म क्षेत्र है, उसको हम पूरा विस्मरण कर रहे हैं। उपसंहार प्रभु, हम ये याद रखना है कि अपने धर्म क्षेत्र जितने भी हैं उसका परिरक्षण और उसका शोभामय प्रदर्शन, ये दोनों भी अपना कर्तव्य है। क्षेत्र का सौभाग्य केवल अपने लिए नहीं, परंतु उसका दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है। ये हम मन में रखेंगे और जो भी हम विश्वास करते हैं, यहाँ एक एक कण भी यहाँ ही नहीं है, अपने भारत भूमि में रहने वाले हर एक कण महत्वपूर्ण है और उसका परिरक्षण करते हुए वहाँ रहने वाले जल, वहाँ भूमि, वहाँ पौधे, वहाँ के पहाड़ और वहाँ के पत्थर, वहाँ के लोग, वहाँ तक हम उनकी मर्यादा को बढ़ाने की प्रयास करेंगे और उसके लिए हम हर प्रकार की कोशिश करेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम एक रखने, एक उद्घोषा, एकता का उद्घोषा करने पर भी दूसरों की मान्यता को हम नहीं पा सकेंगे। और ये दो विषय हम प्रस्ताव धर्माचार्यों का सामने रखते हुए हमारे वाणी को हम विराम देंगे। श्री पूज्य रामभद्राचार्य स्वामी जी महाराज यहाँ हमको बुलाकर यहाँ इस धर्म क्षेत्र का स्पर्श और इतने धर्माचार्यों का संदर्शन हमको दिए हैं। और एक छोटी सी बात है, इस देश में रहने वाले जितने भी भक्ति पंथाएं हैं, उन पंथाओं का जो बीजारोप एक महान संत पूज्य रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने किए थे 1000 साल पहले, यद्यपि गुरु जी का मन कुछ कष्ट लिया है तो भी मैं नरक जाने से भी सारे लोगों को मैं मंत्र देकर सबका उद्धार देखना चाहता हूं कहते हुए, जाति कुल इन सब से ऊपर जाकर सबको मंत्र देकर पहले पहले इस इतिहास में हरिजन को भी मंदिर में भगवान का दर्शन करने का एक अवकाश, एक हक दिए थे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। अब 1000 साल होने से उन महान संत को हम स्मरण करते हुए भाग्यनगर हैदराबाद में 216 फुट ऊंचाई रहने वाले एक पंचधातु मूर्ति का वहां पर आविष्कार किया।
उसका निर्माण किया और हमारे यहाँ का मुख्य अतिथि माननीय महोदय श्रीमान मोहन भागवत जी उस कार्यक्रम में वहाँ पधार कर वहाँ का धर्म संसद को वो निर्वहन करने के लिए पधार रहे हैं और अपने प्रियतम प्रधानमंत्री जी 5वां तारीख फरवरी में वहाँ पधार कर उस मूर्ति को लोकार्पण कर रहे हैं और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय 13 तारीख को वहाँ पधार कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का स्वर्ण मूर्ति को लोकार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। वहाँ पर 1035 कुंडों को एक चतुर्वेद हवन कार्यक्रम भी चल रहा है। हम इस मंच के द्वारा यहाँ उपस्थित सारे धर्माचार्यों को और साधु सज्जन और सबको भी हम आमंत्रण दे रहे हैं, ये सब वहाँ पर पधार कर उस कार्यक्रम में भाग लेकर हमको धन्य बनाए। हम सब मिलकर उस कार्यक्रम को करेंगे। पूज्यपाद जय श्री नारायण।